कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। कांग्रेसियों की मांग है कि बेकसूर छात्रों पर पुलिस द्वारा की जा रही बर्बरता को रोका जाए। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी सूचना प्रशासन को हुई तो मौके पर SDM सदर कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच धरने को रोकने जाने की बात की, जिस पर कांग्रेसी उग्र होकर पुलिस प्रशासन से झड़प करने लगे। मामला बिगड़ता देख इंस्पेक्टर साहब ने कार्रवाई की बात की। दरअसल शासन द्वारा प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया, जिसमें किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन करने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन पर बैठी थी। लिहाजा पुलिस ने धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में कहासुनी तक हो गई। हालांकि पूरे मामले को देख SDM सदर SP सिंह ने कांग्रेसियों से ज्ञापन लेकर धरने को समाप्त करवाया।